गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 12th। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे हम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड सीट। अब हमने सीट कंसिडर करनी है और आपको पता है सीट टू डायमेंशनल होती है, इसीलिए सीट की जो चार्ज डेंसिटी ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट इज सिग्मा। और सिग्मा हमें पता है किसके इक्वल होता है, चार्ज कंटेन पर यूनिट एरिया। यानी यहां से टोटल चार्ज ऑन सीट क्या आ गया, सिग्मा इनटू ए। ओके, हमने क्या कंसीडर किया है, वी हैव कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग सीट। ये सीट है हमारी हैविंग एरिया ए, जिसका एरिया हमने ए लिया है। और हमने क्या कंसीडर किया है कि बाय द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड नॉर्मल टू द सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस सीट से डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होगी दोनों तरफ, और हमारी जो सीट है उसके नॉर्मल होगी। यानी अगर हम इसे सीट कंसीडर करें तो ये हमारी सीट है, दिस इज आवर सीट, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये जो हमारा मार्कर है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सीट। ओके, और हमने क्या कंसीडर किया है, सो इट मस्ट बी सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एट द टू पॉइंट्स पी एंड पी डैश एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सीट एंड अप ऑन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने और क्या कंसीडर किया है, हमने दो पॉइंट्स लिए हैं पी एंड पी डैश जो कि सीट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, वी हैव कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है विच इज 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। यानी जो सीट से 2r डिस्टेंस पे हमने दो एरिया कंसीडर किए हैं, एक एरिया हमारा ये है, दूसरा एरिया हमारा ये है। तो बाय सिमेट्री जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है बेटा, फ्लक्स इज टोटल सरफेस एरिया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। अब दोनों सरफेसेस के लिए, हमारा इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ये होगा हमारा डी एस कैप एरिया वेक्टर इस तरफ, इस सरफेस के लिए हमारा डी एस कैप किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो हम क्या देखते हैं, फॉर बोथ द गॉसियन सरफेसेस ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल, दोनों के दोनों क्या है, ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी एस, सो हमारा थीटा क्या हो गया, जीरो डिग्री। यानी हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू ए, टोटल एरिया हमने क्या कंसिडर किया हुआ है सीट का, ए। ओके, तो हमारे पास फाई क्या आ गई, फर्स्ट सरफेस के लिए ई ए प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ई ए, यानी क्या हो गया 2EA। नाउ अप्लाई द गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम फाई ई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्साइल नॉट, यानी टोटल चार्ज कंटेन अपॉन एप्साइल नॉट। ओके, टोटल चार्ज कितना होगा सीट पे, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज हो गया सिग्मा इंटू ए। तो हमारी गॉस थ्योरम से फाई ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा ए अपॉन एप्साइल नॉट। अब क्या करना है, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करना है। तो हमने क्या देखा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्साइल नॉट, और ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइल नॉट, और इन वेक्टर फॉर्म ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइल नॉट इनटू एन कैप। एन कैप क्या है, वो डायरेक्शन है जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और फील्ड हमारा कैसा है, अवे फ्रॉम द सीट, इस सीट से दूर जा रहा है। अगर सीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर हमारी सीट हम कंसीडर कर लें नेगेटिवली चार्ज, तो फील्ड क्या होगा, फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सीट, लेकिन हमेशा रहेगा कैसा, नॉर्मल टू द सीट, हमारी सीट के कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ओके, थैंक यू।